तो मैं चाहता था कि आप चिकन लो और आपने काबिले तारीफ मुकद्दर का सिकंदर चिकन लिया है, और बहुत रिस्पेक्ट से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यार खुदा इस लड़की को बहुत ही उन्नति प्राप्त हो और इसको बहुत बख्शे मजाजा हो। वाह वाह बुआ वाह वाह बुआ वाह 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 बुआ वाह वाह बुआ वाह। श्रीमान जी माफ करना, आपसे पूछना चाहता हूँ बख्शे मजाजा का मतलब क्या आपको? अल्लाह मुझे माफ करे, मैंने आपको टोका, बट आप मुझे वो आना चाहिए सर, मुझे आना चाहिए। श्रीमान मेरे को टेंशन आ रहा है, आराध्य जी कुछ भी बात नहीं करे, मेरे को बहुत ज्यादा उसको बात तो नहीं नहीं डिमोनेट नहीं, वो आराध्य बात करेंगे, बात करेगी वो, मैं जानता हूँ उसको, वो थोड़ी सी है ना, कैसा है वो थोड़ी सी है ना, वो सादी भोली है रे थोड़ी सी। अरे बात करो ना यार, ऐसे क्यों आराध्य जी आप मेरे अरे मेरे आराध्य मेरे रिस्पेक्टेड एल्डर ब्रदर, मेरा आवाज ही नहीं जा रहा है। हेलो ये मेरा, हेलो मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो हाँ तो सुनो, मेरे रिस्पेक्टेड एल्डर ब्रदर को तुम कैसे कुछ बोल, इज्जत नहीं दे रहे हो आराध्या? हाँ वो एक प्राउड व्यक्ति है, उसको इज्जत मिलनी चाहिए, प्लीज उसको इग्नोर मत कीजिए यार। आप खुद देते हो क्या? अरे मैं तो एक सेकंड करण जी एल्डर बोलो, रिस्पेक्टेड करण जी बोलो, लेकिन एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड रिस्पेक्टेड एक्सट्रीम लेवल रिस्पेक्ट करण जी, क्या मैं आपको कभी बेइज्जत करता हूँ सर? नो ऑलवेज करते हो। हे तौबा, हे भगवान, या अल्लाह, ये मैंने कब कर दिया? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो करण जी कि मैंने आपकी तौहीन कर दी? हे तौबा तौबा, अल्लाह माफ न करे अगर मेरे से कोई गलती हुई हो। ये आरोप करने से पहले आप, ये आरोप करने पहले ये भगवान ने मुझे इस पृथ्वी से उठा क्यों नहीं लिया करण जी, इट्स रिस्पेक्टेड सर करण जी। भगवान उसने चिकन लिया है तो आज मतलब एक किल महत्वपूर्ण वाला था। नहीं नहीं बादशाह, नहीं नहीं सीरियसली सीरियसली, मेरे को लगा मैं जब तक वो डॉबी को खाना देके आऊंगी तब तक चिकन डिनर होके ये लोग सब मेरा वेट कर रहे होंगे लॉबी में, देखा तो बाप रे। देखो कैसा है मेरा एक रूल है, मैं मेरे मेरे साथ जो पहले खेलते हैं ना, मतलब जो नए नए प्लेयर होते हैं ना, मैं उनको प्राधान्य देता हूँ खेलने के लिए। तो मैं चाहता था कि आप चिकन लो और आपने काबिले तारीफ मुकद्दर का सिकंदर चिकन लिया है, और बहुत रिस्पेक्ट से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यार खुदा इस लड़की को बहुत ही उन्नति प्राप्त हो और इसको बहुत बख्शे मजाजा हो। वाह वाह बुआ वाह वाह बुआ वाह 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 बुआ वाह वाह बुआ वाह। श्रीमान जी माफ करना, आपसे पूछना चाहता हूँ बख्शे मजाजा का मतलब क्या आपको? बख्शे मजाजा ये एक डेविल जी हाँ मतलब अल्लाह से माफी मांग के आपकी ये बात टोकना चाहता हूँ सर जी, जो भी टॉपिक लोगे वो मुझे भी बताइए सर, बाकी कुछ नहीं है, मुझे वो समझना चाहिए। अल्लाह मुझे माफ करे, मैंने आपको टोका, बट आप मुझे वो आना चाहिए सर, मुझे आना चाहिए। अल्लाह मुझे समझ करे, मैं इंसान को टोक दिया अल्लाह, मैं कहाँ दिखाऊँ अपना मुंह? ए भगवान, ए भगवान मुझे माफ कर दे, मैं इस चीज पे हंस रहा हूँ लेकिन मैं हंसना नहीं चाहता था, ये तोहीन मुझे बख्श दे खुदा, या खुदा या मदद कर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं हंसूंगा, लेकिन मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ इस रिस्पेक्टेड करण जी की माननीय बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल रिस्पेक्टेड आराध्य जी को हम इस तरीके से जो रिस्पेक्टफुल बात करें उसके बारे में पता नहीं चल रहा, उनको इल्म नहीं इन चीजों का, तो क्या मैं एक निवेदन छोटा सा आपके सामने हाथ फैला के मैं रिक्वेस्ट करके आपको बोल सकता हूँ, प्लीज आप उसको ये चीज एक्सप्लेन करके बता दीजिए मोहतमीन। इमोशनल डैमेज, इज्जत गई रे।
हे अल्लाह माफ कर दे मुझे आराध्या जी, ये जो हमारे गुरुवरी है उनकी बात आप माँ ना टोके वही अच्छा, वरना आपको जन्म नसीब होगा। हे भगवान, करण जी आपने ये क्या कह दिया, तोबा तोबा, मतलब मैं रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट आपको कहना चाहता हूँ, ये शब्द आपके मुंह में, मतलब तौहीन नहीं कर रहा हूँ, बहुत रिस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, मैं आपको बहुत मानता हूँ, खुदा खुदा गवाह है इस चीज का कि मैं आपको कितना जान से मानता हूँ सर, लेकिन ये शब्द आपके मुंह में जचा नहीं सर, जचा नहीं सर। आपने मेरा दिल दुखा दिया सर, आपने मेरा दिल दुखा दिया। आराध्य जी आपको माफ नहीं करेगा अल्लाह, आपने जो इस भले इंसान का हार्ट ब्रेक किया है ना, वो कभी ज्वाइन नहीं हो पाएगा। अभी बीच में टोकने का जो मैंने गुनाह अभी किया है, उस गुनाह की माफी तो मुझे भगवान नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ आपको, बीच में टोक के श्रीमान करण सर जी की आपने गलती की है, आराध्य जी की कोई गलती नहीं, वो अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके का हम वार्ता और लाभ क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आप प्लीज कृपया करके उनको एक्सप्लेन करके दिखाएं तो मुख्तवीज तावीर आलम हो जाएगा सर। मैं अल्लाह से माफी मांग रहा हूं और ये चीज बोल रहा हूं सर। आराध्या जी, आप तो श्रीमान जी बोल रहे हैं ना, उनका उसका बुरा तो नहीं लगा ना कोई? मोहतरमा हमें समझ ही नहीं आया, सस्ता एमिनम के जो वार्ता लाभ हुई है, क्या आप थोड़ा हल्लू हल्लू बात करने का प्रयत्न करेंगे? ये अल्लाह जजी ये लड़की ने क्या ये अनर्थ वाली बात बोल दी। आराध्या जी ये बोलने से पहले आप आराध्या होता है वो, आई आराध्या नहीं होता है, मैं अरे मतलब आपको दे रहा हूं। ये नहीं 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 नहीं, ये खुदा है खुदा, वो नहीं मारने आए, आए भगवान, एक निर्दोष की महाबली चढ़ाई गई है, ये पाप मैं कहाँ पे फेडूंगा, भगवान मुझे माफ न करे, खुदा मुझे बख्शे, ये क्या हो गया, इन दोनों की वार्ता और लाभ में मैं चला जाता, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति था, मैं दिलो इंतजार से उसकी माफी मांगना चाहूंगा कि मेरे से हो गई गलती, मुझे करो माफ, मेरे गुनाह को कर दो थोड़ा सा साफ, हे खुदाया मदद। आराध्या जी आपने हाँ। तो हमारा दिल ही तोड़, हे भगवान टोक रही हो और खतरनाक टोक रही हो। रिस्पेक्टेड करण जी आपने आराध्या जी को, आराध्या जी कैसे बोल दिया, उनको बोलिए कि रिस्पेक्टेड आराध्या जी, एक्सट्रीम लेवल ओपी रिस्पेक्ट प्लीज सर। दिल तोड़ने के लिए दिल भी होना पड़ता है सर। बाप रे या अल्लाह माफ कर दे, ये क्या जुल्म ढाल दिया आपने, जो इस मासूम की लड़की के दिल में दिल ही नहीं रखा। आई आई रुको, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं अब दुश्मनों को मारने की कोशिशें आलम करने जा रहा हूँ, चाहे मेरी बलि क्यों ना चढ़नी पड़े, लेकिन मैं दुश्मनों को करूंगा नहीं माफ, कर दूंगा उनको वन साइड साफ। कोई मासूम है अल्फत उसने नजूर, प्लीज रिस्पेक्ट के साथ मुझे बताएगा कि आप कहां पे अपना फायरिंग कर रहे हो, ताकि मैं दुश्मनों के जनाजे का मुआवजा कर सकूं। जनाजे का मुआवजा? बाप रे रिस्पेक्टेड करण जी, प्लीज आप मुझे बीच में टोक के मेरे अल्फाजों को इल्म ना लगाए, मैं काफी ज्यादा नाजुक और खुश मिजाज इंसान हूं, मुझे कसम है आराध्या जी की, मैं दुश्मनों को खलास करके रहूंगा। नाजुक फिर ऐसा ही है बाबा। मैं तो जोन में जा जाऊं बाबा, आप लोग लेते रहो फाइट, लास्ट का एक किल करना होगा, चिकन चाहिए तो मुझे बुला लेना ठीक है? यस यस ओके। ये खुदा मुझे माफ कर दे, लेकिन एक चिकन क्या ले लिया है इस व्यक्तिमत्व ने, तो हमारी तौहीन पे तौहीन किए जा रही है ये लड़की, हे भगवान मुझे थोड़ा सा तो माफ कर दे। या अल्लाह मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई, मैंने सीधा सीधा उसके दिमाग को बाहर तो निकाल दिया है, मेरे दोस्तों को अगर कोई छुएगा तो मैं कैसे उसको माफ करूंगा भगवान।
पांक अबे अरे यहाँ पे दूसरा बंदा यार शिट सैंडविच होना ही होता है यार मेरी लाइफ ही सैंडविच है दोस्तों मैं जा रहा हूँ हे भगवान मुझे भगवान बुला रहे हैं हे अल्लाह मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्तों को दुआ में याद रखना और दिल में इस चीज़ की खैरात रखना कि चिकन डिनर आके रहे अगर चिकन नहीं आया तो यार हृदय अलग हो जाएगा कोई बचाने की भी कोशिश नहीं कर रहा है लोग कितने कमीने होते जा रहे हैं।